नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। श्रीलंका खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, पैसों को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये विवाद अब थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि श्रीलंका के जो तमाम खिलाड़ी हैं उन्होंने बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लिखा गया है और कहा गया है कि आप हमें पैसे दे दीजिए। जी हाँ, ये पूरा मामला पैसे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे रहा है, यानी कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट फीस है वो उन्हें नहीं दी जा रही है। लगातार आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच तनातनी चल रही है। कभी बोर्ड नए नियम लेकर आता है तो खिलाड़ी कहते हैं कि नए नियम सही नहीं है। जी हाँ, लगातार लंबे अरसे से बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच खींचतान जारी है। इससे पहले अगर बात करें तो बोर्ड की ओर से कहा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूर टू टूर होगा और वो टूर टू टूर कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, यानी कि जो खिलाड़ी टूर के लिए सिलेक्ट होगा उनको पैसे मिलेंगे और जो खिलाड़ी नहीं सिलेक्ट होंगे उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं इससे पहले एक मामले में और तूल पकड़ी थी, जब बोर्ड की ओर से कहा गया था कि परफॉर्मेंस बेस जो सैलरी है वो दी जाएगी। इस पर खिलाड़ियों ने एक साथ आपत्ति जताई और खिलाड़ियों ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये पारदर्शिता नहीं होगी, क्योंकि इसके तहत अगर जो खिलाड़ी सही परफॉर्म करके दिखाएगा, जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे, यानी कि जैसी परफॉर्मेंस वैसे पैसे। वहीं लगातार ये विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 17 जुलाई को खिलाड़ियों ने एक बार फिर से श्रीलंकन बोर्ड को चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर कहा है कि हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आप हमें पैसे दीजिए। बस अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि किस तरीके से श्रीलंकन बोर्ड इस पूरे मामले पर, इस पूरी चिट्ठी पर रिएक्ट करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। धन्यवाद।